कैसे आप लोग दोस्तों, तो मैं आपके पास फिर से एक बार और हाजिर हो चुका हूँ एक और मूवी की अपडेट लेकर। उस मूवी का नाम है KGF Chapter 2। और दोस्तों जो से लिटरली मैं बात करूँ, यूट्यूब उड़ने वाला जो धमाके का जो न्यूज़ दिया है ना, और हम्बल म्यूजिक यानी उनके फिल्म मेकर्स की ओर से क्या स्ट्रैटेजी कोई समझ ही नहीं पाया। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने बोल रखा कि क्या दें, पहले ट्रेलर दे, सॉन्ग दे, टीजर दे, क्या दें। फिर हमारे ऑडियंस ने इतने सारे वोटिंग की कि हमें पहले ट्रेलर देखना है। फिर उन्होंने ट्रेलर के रिलीज किया कि 27 मार्च के दिन आपको जो ट्रेलर है वो देखने को मिल जाएगा। फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो यार, फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमें जो सबसे पहले ट्रेलर देखने को मिलेगा। फिर जो आज अनाउंसमेंट हुई है, तो यार दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ कि हम्बल म्यूजिक की तरफ से यानी उनकी जो फिल्म मेकर है उनके तरफ से जो पोस्टर रिलीज किया गया है उसके मुताबिक 21 मार्च को यानी अगले सोमवार को आपको 11:07 पर इसका जो सॉन्ग है वो लिरिकल सॉन्ग रिलीज होने वाला है, जिसका नाम है तूफान। और सबसे बड़ी बात, इस पोस्टर को आप गौर से देखिएगा तो इसमें कहीं भी यस सर नजर नहीं आ रहे हैं। पूरे बच्चे को आगे में सिंगल ट्रैक पर डाल दिया गया, तो फिल्म तो तूफान जो टाइटल रखा गया बेहतरीन होने वाला है। फिल्म की जो हाइप है ना नेक्स्ट लेवल पर, लोगों को मतलब ना कैसे हाइप को बिगर देन बिगर करना है वो फिल्म मेकर्स जान रहे हैं। इसी वजह से पहले तो उसको लेकर ट्रेलर लेके हाइप बना दी, उसके बाद जो ये टाइम निकल के आई है कि 21 मार्च के दिन इसको 11:07 में जो तूफान टाइटल नाम रखा गया सिंगल ट्रैक उसे रिलीज कर देंगे, तो जो मतलब हाइप है ना वो नेक्स्ट लेवल चल जाएगा। और एक बात और बता दो दोस्तों, एक जो न्यूज निकल के आ रही है बीस्ट की अपडेट, तो बीस्ट की जो सेंसर सर्टिफिकेशन है लगभग जो कंप्लीट होने वाली है। और कुछ अपडेटेशन ऐसे निकल के आ रही है कि इसे 13 अप्रैल को रिलीज कर दिया जाएगा। अब फिलहाल तो ये मतलब उम्र है ऑफिशियल, जब तक अनाउंसमेंट नहीं आती हम लोग नहीं मान सकते। पर कुछ ऐसे बातें निकल के आ रही है कि इस फिल्म को 13 अप्रैल को रिलीज होने वाली है, तो शायद ये क्लैश कर सकती है एक दिन के आगे पीछे। तो अब देखते हैं, जो भी अपडेट निकल के आएगी वो मैं आपको जरूर बताऊंगा नेक्स्ट कोई भी मूवी की। इसीलिए मेरे चैनल पर बने रहिए इसी तरह के मूवी रिव्यूज और OTT अपडेट्स के लिए। दोस्तों बाय बाय, धन्यवाद।